रोडवेज कर्मचारियों द्वारा पिछले 6 दिनों से जारी प्रदेश व्यापी हड़ताल के चलते जहां परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, वहीं हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने आज बड़ा बयान देकर सरकार की चूल्हे हिलाने का काम कर दिया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कंवर सिंह यादव ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर आज रात से पहले सरकार ने तालमेल कमेटी के नेताओं को बुलाकर 720 प्राइवेट बसों को परमिट देने का फैसला नहीं बदला तो आज रात 10 बजे से महासंघ से संबंधित सभी विभागों के कर्मचारी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक मुख्यमंत्री तालमेल कमेटी को बुलाकर उनकी मांग नहीं मान लेते। आज हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के आह्वान पर हड़ताल का चौथा दिन है। हमने कल हरियाणा कर्मचारी महासंघ की कोर कमेटी की मीटिंग पानीपत में की और सारी बातों की समीक्षा की। प्रदेश सरकार जिस प्रकार से इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है, हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने फैसला लिया कि इस तानाशाह रवैया जो है हरियाणा सरकार को उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दिया। हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने फैसला लिया है आज रात 10 बजे से 22 तारीख से, क्योंकि हमारी पहली शिफ्ट रात को 10 बजे शुरू होती है, 22 तारीख से हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित जितने भी संगठन हैं तब तक हड़ताल पर रहेंगे जब तक हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी को बुला करके माननीय मुख्यमंत्री फैसला नहीं लेते हैं तब तक हरियाणा कर्मचारी महासंघ का हड़ताल में अनिश्चितकालीन के लिए साथ रहेगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत करने में कंवर सिंह यादव ने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों की कोई आर्थिक मांग नहीं है, वे सिर्फ परिवहन बेड़े को बचाने के लिए अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर जनता के लिए सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर सरकार ने एस्मा जैसा काला कानून बनाकर कर्मचारियों के आंदोलन को कुचलने का काम किया है जिसे महासंघ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। जनता के सोचने की बात है कि आज रोडवेज का कर्मचारी की कोई आर्थिक डिमांड नहीं है। आर्थिक डिमांड ना होकर के भी वो अपने बेड़े को बचाने के लिए जो रोडवेज जनता को सेवाएं देती है, समय पर देती है, छात्राओं को देती है, छात्रों को देती है, मजदूरों को देती है, उसको बचाने के लिए अपनी नौकरी को ताक पर रख करके प्रदेश की सरकार के साथ लड़ रहा है तो इसकी जिम्मेवार तो प्रदेश की सरकार ही है। जब बिजली के प्लान की बात है कि सरकार जो 6 दिन से ये आदमी पूर्णतः सफल हड़ताल के बैठे हैं उनकी बात नहीं सुन रही है तो हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने एक स्वर से फैसला लिया। जितने भी संबंधित विभाग हैं उनके प्रधान दलित सेक्रेटरी रात को मेरे साथ मीटिंग में थे और हमारा फैसला है कि जब तक ये फैसला नहीं होता हरियाणा कर्मचारी महासंघ संबंधित जितने भी विभाग हैं इस पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। वहीं इस धरने को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वंदना पापली के अलावा विभिन्न विभागों की यूनियनों ने अपना समर्थन दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ना तो उनको प्रदेश की जनता की कोई परवाह है, ना ही रोडवेज कर्मियों की कोई परवाह है। वो यहाँ पर 6 दिन से बैठे हैं, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। आज जहाँ तक मैंने सुना है कि सीएम साहब जो है उन्होंने कहा है कि बातचीत के लिए बुलाया जाए, लेकिन 6 दिन तक आप इतने हठधर्मी हो गए कि ना तो आपको जनता की परवाह है, ना ही कर्मचारियों की परवाह है। उनकी अगर मांग गलत है तो आप बताइए ना, मांग तो उनकी जायज है। वो क्या कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ लास्ट 4 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, नित नए तरीके से उन्होंने कभी कोई तरीका अपनाकर कभी कोई तरीका अपनाकर प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की है। मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी से और प्रदेश के मुखिया खट्टर जी से कि ऐसा कौन सा उनका स्वार्थ निहित है कि वो जोर दे रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन होना ही चाहिए। हड़ताल को लेकर कि मैं ये कहूँगी कि जो साथी अपनी स्ट्राइक यहाँ पे बैठे हैं अपनी जायज मांग है, उनकी नाजायज मांगे नहीं है, और सरकार को हर नागरिक की जायज मांगों को मांगना चाहिए। इसमें ये कर्मचारी परेशान नहीं हो रहे, सरकार को आम जनता की परेशानी का भी ध्यान नहीं है। रोडवेज कर्मचारी अगर घाटे में चल रही है तो उसमें इनके कर्मचारियों का इनमें कोई दोष नहीं है। इनके कार्य करने की क्षमता जो पहले 61 घंटे थी अब 75 घंटे होती है, जो कि काम बढ़ा है इनका, और इनके मतलब एक्सीडेंट भी इनकी वजह से कम हुए हैं। और मतलब अब कोई भी अगर हम जैसी औरतें हैं अगर सफ़र करना चाहेंगे तो हम सोचेंगे प्राइवेट बसों में न जाकर के हम सरकारी बसों में जाएं, क्योंकि वहाँ हम सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। क्योंकि अगर जो ड्राइवर कंडक्टर सरकारी कर्मचारी हैं तो वो कहीं ना कहीं अब जवाबदेह ही होंगे अगर हमारे साथ कुछ घटना घटती है तो। अब सरकार मतलब इनको ही सरकारी कर्मचारियों को दबा करके बताओ इनको बेरोजगार करने के ऊपर तुली है, इसको प्राइवेट बनाने के लिए तुली है। क्या सरकार ये चाहती है कि ये सारी
जो हमारी जो पूंजी है या जो जो महकमे है या संगठन है कुछ लोगों के हाथ में हो। मगर कुछ भी हो, सरकार की हर धर्मिता के चलते होने वाली इस हड़ताल के कारण बिजली, पानी और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को जरूर दो चार होना पड़ सकता है, जिसके लिए अब आम लोगों को भी तैयार रहने की जरूरत है।